आम आदमी पार्टी ने शुरू से कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग बन गई है, सीबीआई पॉलिटिकल विंग बन गई है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल विंग बन गया है। आज मैं प्रमाण के साथ आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा किस प्रकार से ये बात बिल्कुल शुद्ध रूपेण सिद्ध होती है कि ईडी और बीजेपी एक ही है। ईडी बीजेपी है, बीजेपी ईडी है। जब इस देश के अंदर शराब घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बहुचर्चित, सबसे लोकप्रिय सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की ठानी, हमने बार बार इस बात को आपके माध्यम से दिल्ली की जनता, देश जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से बीजेपी ईडी के माध्यम से अपना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है। आपको इसी मंच से मेरे साथियों ने बताया किस प्रकार से शरद रेड्डी से 6 महीने जेल में रखने के बाद, 6 स्टेटमेंट्स लेने के बाद जिसमें कहीं केजरीवाल साहब का नाम नहीं आया, 7वें स्टेटमेंट में 6 महीने जेल में रखने के बाद जब बीजेपी ने डील स्ट्राइक की शरद रेड्डी से और कहा तुम्हें 2 ही शर्त पे छोड़ूंगा, एक तो तुम केजरीवाल साहब का नाम लोगे और दूसरा 55 करोड़ रुपया बीजेपी को वसूली के रूप में दोगे। मेरे साथियों ने इस मंच से सबूतों के साथ, आपको याद होगा कि हमने ये दिखाया था किस प्रकार से अरविंदो फार्मा के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल सारे एंट्रीज इसके अंदर है। और उसी के आधार पर दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे भारत के, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी पैसे की ट्रेल, बगैर किसी एविडेंस के, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। उसी प्रकार से इसी मंच से आपको बताया गया किस प्रकार से मंगूठा रेड्डी का रिश्ता निकला बीजेपी से। मंगूठा रेड्डी के बेटे राघव मंगूठा रेड्डी को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया, डील स्ट्राइक की गई। 2 बार के पहले के बयान में कहीं केजरीवाल साहब का नाम नहीं था, लेकिन जब वो बेल के लिए डील स्ट्राइक की गई तो केजरीवाल साहब का नाम 3रे स्टेटमेंट में लिया गया। और आज सत्यता यह है कि मंगूठा रेड्डी को टीडीपी से लोकसभा की टिकट मिल गई। तीसरा, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक नया नाम दिया कि किस प्रकार से वसूली करने का काम भाजपा जनता पार्टी ने उसके माध्यम से किया, और उसका नाम उन्होंने इस प्रकार से दिया कि पूरे देश ने देखा कि 2471 करोड़ बीजेपी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए, ईडी के जरिए, ईडी सीबीआई के जरिए उन कंपनियों से भाजपा में वसूली कराया, सबने देखा। ये सभी कुछ इसी बात को इंगित कर रही है कि बीजेपी और ईडी में कोई फर्क नहीं है, ईडी बीजेपी है, बीजेपी ईडी है।
लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सकते में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिस्पॉन्डेंट यानी ईडी उसके अपेरेंस में नीचे लिखा है मिस बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोकसभा प्रत्याशी भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि बीजेपी ने ईडी को राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग किया।